हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साक्षर इंडिया में। दोस्तों, आरटी फॉर्म एप्लीकेशन 2023 के बारे में जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बताने की पूरी कोशिश की थी, मगर बहुत सारे व्यूवर्स के अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमें इनकम सर्टिफिकेट किस तरह से बनाना है, हमें एडमिशन कब मिलेगा या किस तरह से एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको इनकम सर्टिफिकेट किस तरह से बनाना है, या फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, कहाँ से आप बना कर ले सकते हैं, या इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना पड़ेंगे। इस टॉपिक पे आज मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं कि जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी आरटी एप्लीकेशन 2023 के बारे में, उसमें हमने कंप्लीट डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दी है, मगर जिस इनकम सर्टिफिकेट किस तरह से बनेगा इस बारे में बहुत सारे व्यूवर्स के अभी भी कमेंट आ रहे हैं, तो सोच लिया कि इनकम सर्टिफिकेट किस तरह से हमें बनाना चाहिए, इस पर हम एक नई वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इनकम सर्टिफिकेट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, और आप कहाँ जाकर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, साथ ही साथ आपको कौन से साल का यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपके क्लियर आरटी के बारे में जो इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है उससे जुड़े सभी सवाल यहाँ पे आपके क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला अब हमारा यह है कि हमें इनकम सर्टिफिकेट कौन से साल का लगने वाला है। आरटी एप्लीकेशन फॉर्म अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, आरटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर आरटी स्कूल वेरिफिकेशन अभी चल रहा है जो 23 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ है, तो फरवरी के 4 या 5 तारीख तक के स्कूल वेरिफिकेशन चल सकता है, उसके बाद स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। जब हमारा आरटीए के अंतर्गत फॉर्म कंफर्म हो जाएगा उसके बाद हमें जो पूरे डॉक्यूमेंट वहाँ पे स्कूल की जगह लेकर सबमिट करना है, उस टाइम हमें जो इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है वो इनकम सर्टिफिकेट हमें फॉर्म भरने से पहले के डेट का यहाँ पे लगने वाला है। तो दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिलेगा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट आपके तहसील ऑफिस से आपको लेना पड़ेगा, या फिर आप आपके सेतु केंद्र में जाकर भी वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सीएससी सेंटर से भी आपका इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो सबसे पहले दोस्तों फैमिली के जो मुखिया है, हेड है, उसके नाम से आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। और फैमिली के जैसा कि फादर के हर फैमिली का, तो अब यहाँ पे हेड फादर रहते हैं, तो फादर का आधार कार्ड एक लगने वाला है आपको, उसके बाद राशन कार्ड, या फिर लाइट बिल, या फिर बैंक पासबुक, या अगर आप कहीं रेंट से रहते तो आपको रजिस्टर एग्रीमेंट भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, पर कंपल्सरी आपको आधार कार्ड है, या उसके बाद आप राशन कार्ड, लाइट बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, एग्रीमेंट, इन कोई में से एक चीज आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आपकी कलर फोटो भी यहाँ पे लगने वाली है। ये तीन डॉक्यूमेंट लेकर आप अपने तहसील ऑफिस, सेतु केंद्र या सीएससी सेंटर में जाकर एप्लीकेशन भरकर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कितना इनकम बनाना चाहिए, या फिर आरटी का फॉर्म भरने के लिए या आरटी के लिए आप एलिजिबल कितने इनकम से हो सकते हैं। दोस्तों, कि आरटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे डिक्लेयर किया गया है कि आपको 1 लाख से सालाना कम इनकम का सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, यानी आपकी आय सालाना 1 लाख से कम अगर है तो आप आरटी के लिए एलिजिबल वहां पे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे हमारा इनकम कम से कम 1 लाख के अंदर रहना चाहिए। 1 लाख से अगर ज्यादा हमारा इनकम रहेगा तो हम यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, तो इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि आप अप्लाई करने के बाद इनकम कितने दिन में आपको मिलेगा। मिनिमम आपको यहां से 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट बनने के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट की प्रोसेस थोड़ी अलग हो सकती है, मगर मैक्सिमम आपको 10 दिन तो यहाँ पे लगने वाले हैं इनकम सर्टिफिकेट मिलने के लिए। तो आप अभी से आपका इनकम सर्टिफिकेट बना के रख सकते हैं। जब आपका आरटी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो वहां हम आपको बता देंगे कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। उस टाइम आपको ये इनकम सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर जब आपका एप्लीकेशन कन्फर्म हो जाएगा, आपका फॉर्म कन्फर्म हो जाएगा, उस समय आपको स्कूल में इनकम सर्टिफिकेट और बाकी के जो आपके आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं पिछली वीडियो में, वो पूरे डॉक्यूमेंट आपको वहां पे सबमिट करने होंगे। दोस्तों, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आरटी के एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इस सभी पॉइंट पर हम संडे को सुबह 10 बजे लाइव आने वाले, उस टाइम में आप ज्वाइन हो जाए, वहां पे हम कंप्लीट आपको जानकारी देने की
कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। I'm not the one who's running out of time.